गाइस बज गया है 12:04 और अब हम चलते हैं नीचे, 1 घंटे टीवी देखेंगे, क्योंकि बगैर टीवी देखे मज़ा नहीं आ रही आज, और 1 बजे तक सो जाएंगे क्योंकि सुबह उठना है 7 बजे। तो 7 बजे सुबह मिलते हैं, उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते अभी हमें भी देखना है या आपको भी देखना है। ठीक है भाई, गुड नाइट। कूड़े वाले भैया खड़े हैं और उनको त्योहार ही चाहिए। 20 रुपये ठीक है। कूड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल। कूड़ा वाला वैसे हम लोग हैं, कूड़ा वाला कहते आ गया, कूड़े वाले हम ही लोग हैं यार। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आज आपको बताई है। गाइस पता है सबसे अच्छी बात कि आज सुबह हम लगभग 7:15 उठ गए थे, और सुबह उठने से पेपर पढ़ लिया, एक्सरसाइज कर ली, नहा भी लिया, और अभी केवल बजा है 10:15। अब पढ़ाई होने लगेगी, तो 2-3 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सुबह उठने में पता है कल्याण हो जाता है बिल्कुल। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। अब जैसे हम सुबह उठे, इसी तखत में बैठे थे, और बैठे बैठे बस ऐसे नींद मार रहे थे। अगर थोड़ी देर और नींद लेते तो इसी में पढ़ के दोबारा सो जाते। इसीलिए जहाँ उठे तो तुरंत नीचे चले गए, सोचना नहीं है, सीधे नीचे भाग जाओ। और एक बार सो गए तो दोबारा फिर नींद खुलेगी 10:00, इससे पहले नहीं खुलेगी, फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। खाने के लिए आज बनी है उड़दा की दाल। उड़दा की दाल रोटी खाएंगे, पर शिमला दाल चावल खाएंगे, तब मज़ा आएगी। फिर मिलते हैं खा पी के। आप में से सभी लोग लगभग घूमने के बहुत शौकी होंगे। आपको एक जगह बताता हूँ कि मतलब मस्त जगह, ऐसी जगह कि एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान। वैसे तो आप किसी बॉर्डर में जाओगे तो 0 लाइन होती है, और 0 लाइन में सेना होती है, BSF होती है, वो आपको जाने नहीं देगी, आप मतलब कि देख नहीं सकते। एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ आपको कि आप मतलब कि यहाँ से टाटा करेंगे तो उस तरफ आपको पाकिस्तानी दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है किरण, वहाँ बगल में किरण के बगल में नीलम रिवर है। पाकिस्तान में उसे नीलम रिवर बोला जाता है, अपने हिंदुस्तान में उसे किशन गंगा रिवर बोला जाता है। तो किशन गंगा जो है, तो किशन गंगा के इस तरफ आप और किशन गंगा के उस तरफ पाकिस्तान, POK। आप यहाँ से टाटा करिए, वो लोग वहाँ से टाटा करेंगे, और वहाँ मतलब जाने आने में कोई रोक नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से आप खूब जाइए, नदी के इस तरफ आप, नदी के उस तरफ वो। अब सोचिए घूमने में कितना मज़ा आता होगा, बिल्कुल सरहद पे खड़े हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, क्या फीलिंग्स होती होंगी उस जगह की। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं जैसे कि हम हैं, तो एक लिस्ट बनाते जाइए कि कभी घूमने जाएंगे तो किरण भी घूमने जाइएगा। बाकी इमेजेज आपको मैंने दिखा दी है, आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। और खाना पीना हो गया, टाइम लगभग हो गया 12:15, आज जल्दी जल्दी सब निपट गया। अब 2 घंटे तो कम से कम पढ़ेंगे ही, फिर इसके बाद थोड़ा 1/2 घंटे का आराम लेंगे। आपका स्वागत है। तो यार बताएं, घर में पड़े पड़े गए थे वो 14 साल, कब तक पड़े रहो? अभी काम आएंगे तो पता है एक एक दिन में बहुत सारे काम हो जाएंगे, और जिस दिन काम नहीं होगा ना तो पूरे दिन पता चला कुछ ही नहीं, इसलिए निकल आए। बहुत सी चीज़ होती है, वैसे गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी के अंदर इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि हम आपसे क्या बताएं। मतलब इसी कैंपस के अंदर देखिए गिनाते हैं, गल्ला मंडी है, जानवरों का अस्पताल है, फिर इसी के अंदर आप अपना गल्ला जमा कर सकते हैं सरकारी रेट में, इसी के अंदर पोस्ट ऑफिस है, फिर इसी के अंदर थाना हनुमंत विहार है, फिर इसी के अंदर दो बैंक हैं, एक SBI बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, मे भी बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। यहीं पर चुनाव हो जाते हैं, यहीं पैरामिलिट्री, यहीं PSC, यहीं लेबर, यहीं स्टूडेंट, दौड़ने वाला लड़का, यहीं आड़ती, मतलब बिजनेस भी सब कुछ एक मंडी के अंदर। सोचिए इतनी चीज़ें मतलब कि कहीं हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा आपको उस तरफ करके दिखाते हैं, मजनू भाई टहल रहे हैं, आओ। दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई एक्सरसाइज है ना, तो वह बस केवल दौड़ना। आप अगर 10 मिनट रोज रनिंग कर लेते हैं तो फिर ये मानिए कि कोई एक्सरसाइज की जरूरत। आप जा रहे हैं घर, मम्मी गई हैं एक जगह बुलौआ, और उनके यहाँ होना आज रात में जागरण, तो उनके यहाँ शाम का निमंत्रण भी है, तो जब तक निमंत्रण हो तो उससे पहले जाके खाना खा के बैठ जाएंगे घर में, तो मम्मी फिर कुछ कहेंगी नहीं, नहीं जाना पड़ेगा। अभी पहुँचता हूँ मैं दौड़ के घर।
चल मेरे भाई। ये पता नहीं क्या लिखा होता, मंडी आगमन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद जरूर लिखा होगा। और चाहे गिर पड़ो तो कोनो उठाने ना आए। जिस जागरण की बात कर रहे हैं तो वो सामने देखो लगा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा हुआ। जी मम्मी आई कि नहीं? ओ माय गॉड, हम सोचे मम्मी के आने पहले खाना खा ले चले। उनका जागरण बहुत अच्छा सजा है पूरे पार्क में। अब मम्मी को फुसला के बस खाना खा ले, नहीं मम्मी चिल्लाने लगेंगी, कहेंगी गधा कहीं का बाहर नहीं खाता है घर ही में खाता है। हलवाई बना रहा हो तुम्हें मालूम है, लेकिन हरी वाली दाल रखी है। हम सोच रहे वही निपटाए आराम से दो चार रोटी। फाइनली काम बन गया, मम्मी मान गई है। अब दाल गर्माऊंगा, खरी खरी रोटी चार, बिल्कुल खरी खरी रोटी खाओ ना शाम को, मस्त मज़ा बहुत आती। अब सोचो इतना अच्छा खाना बना पाएगा बिट्टी? हलवाई बढ़िया हरी वाली दाल उड़ते की रसादार सब्जी, मुंह में पानी आने लगा हमारे अभी से। खाते फिर गाना गाते हैं। भाई मम्मी और बिट्टी चली गई हैं न्योता खाने, अब हम चुपचाप रसगुल्ला दौड़ के खाते हैं। अभी दिवाली वाले रसगुल्ले रखे हैं ना। फ्रिज में है यार, इसी टिफिन के अंदर है। रसगुल्ले खाते हैं, रसगुल्ले खाने का मज़ा अलग है। रसगुल्ले मम्मी अच्छी बनाती हैं, आंटी जी भी अच्छे बनाती हैं। आंटी जी की भी रसगुल्ले पता नहीं चलता है कि मम्मी ने बनाए कि आंटी जी ने। ओहो एक लें कि दो लें? अबे दो ले लेते। घर में ना चुप्पे चुप्पे खाने में मज़ा ही अलग आता है, लेकिन मम्मी तो जान ही जाएंगी, प्लेट देख के जान जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर हो जाएगी कि जान जाएगी मम्मी हमने रसगुल्ले खाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर दिया करिए कम से कम, एक लाइक में क्या जाता है आपका।